गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में रिवीजन करेंगे पार्ट 10 विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द, मतलब जो शब्द है उसका उल्टा अर्थ बताता है विलोम शब्द। तो इस पार्ट ये देखिए, विलोम शब्द जैसे उदाहरण दिया गया है, ये हंसना का क्या हो गया उल्टा रोना, बड़ा का छोटा, ऊपर का नीचे, ये ऊपर है चिड़िया, ये नीचे है चिड़िया, ये आम कच्चा और ये पक्का, ये मोटा आदमी पतला आदमी, एक फूल अनेक फूल। और इसकी परिभाषा देखिए, एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है, ये परिभाषा आपको याद करना है और अपने नोटबुक में भी लिखना है अगर आप नहीं लिखे हैं तो। और देखिए कुछ विलोम शब्द यहाँ दिए हुए हैं, तो इनको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, पूरे पेपर में कहीं से भी आ जाएंगे आपको विलोम शब्द लिखने को, तो इसको अच्छे से रीड करेंगे ना तो आपको आसानी से बन जाएगा। फिर देखिए नीचे, संज्ञा का विलोम संज्ञा, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का विलोम क्रिया, और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण ही होता है। अब देखिए इस पार्ट में अपन क्या सीखे, जो शब्द विलोम या विपरीत अर्थ मतलब उल्टा अर्थ बताते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द होते हैं। कई उपसर्गों से भी विपरीत अर्थ वाले शब्द बन जाते हैं। तो अब इसका अभ्यास कार्य देखिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, विलोम शब्द कहते हैं किसको, समान अर्थ वाले देने वाले को नहीं, क्योंकि समान अर्थ देने वाला शब्द क्या कहलाता है, समानार्थी, और उल्टा अर्थ देने वाला शब्द क्या कहलाता है, विलोम शब्द। तो ये इसको टिक करेंगे। फिर सुख का विलोम क्या है, तो अब आप ये उदाहरण पढ़े होंगे ना जो दिया यहाँ पे, तो आपको आसानी से बनेगा। तो सुख का क्या होता है, दुख, सुख प्रसन्नता नहीं होगा, खुशी होती उसकी, तो इसका हुआ दुख, टिक कर लीजिए। कोष्टक में से रंगीन शब्द के उचित विलोम शब्द छांटकर रिक्त स्थान में भरिए। ये देखिए हरे रंग का शब्द है, सब में दिया है, तो ये सरल है तो इसका होगा कठिन, भारी का हल्का, कम भारी तो नहीं होगा, हल्का होगा, है ना, कम का अधिक, बहुत कम नहीं होगा तो अधिक होगा। इस में आरंभ का क्या होगा, समाप्ति नहीं होगी, अंत होगा, ठीक है, आरंभ का अंत। फिर सही विलोम को रेखांकित कीजिए। अब एक यहाँ तीन दिए हैं, यहाँ इसका कौन सा विलोम होगा, मान का अपमान, सम्मान नहीं होगा, विमान भी नहीं होगा। अमीर का क्या होगा, गरीब, धनवान भी अमीर होता है, बलवान तो इससे कोई मतलब नहीं है। सरल, आसान, कठिन, सरल का उल्टा क्या होगा, कठिन, आसान और सरल एक ही होता है। ऊंचा का नीचा, आशा का निराशा, दुराशा इच्छा नहीं होता। धनी का निर्धन, अमीर भी धनी ही कहलाता है और बड़ा को इसका नहीं है। तो ये आपका विलोम शब्द हो गया। तो यहाँ आपका ये पाठ समाप्त होता है और अब आपका रिवीजन पूरा खत्म हो गया। जितने लेसन आना है आपको 3 से लेकर 10 तक, वो पूरा हो गया रिवीजन में। अब आप लोग अच्छे से सब अभ्यास कार्य पढ़ लेंगे और जितनी परिभाषाएं हैं उसको याद कर लीजिएगा, वो सब आएंगी आपको, और ये शब्द भी आएंगे, ये जो दिए हैं इनको, इसमें से कोई सा भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कभी भी बन जाएगा कहीं से भी, ठीक है। और अब आप लोग एक बात सुनिए कि आपको छोटी कॉपी बनाना है एक, इसके लिए टेस्ट कॉपी, तो एक आप 50 पेज की या 100 पेज की बना लीजिएगा, उसी में आप सब टेस्ट दे सकते हैं सारे सब्जेक्ट का। लेकिन उसमें सबसे फ्रंट पेज पे आप अपना नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, ये सब डाल लीजिएगा, पहले से तैयारी करके रख लीजिए। जो रिटर्न एग्जाम देंगे आप, वो उसी में देना है आपको सारे सब्जेक्ट का, तो सब अलग अलग दिन पे होंगे तो उसी कॉपी में आप दे सकते हैं। सब में अपना नाम और वो विषय लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, अलग अलग, फिर वैसे आपको देना है, ठीक है। तो आप लोग कॉपी बना के तैयार कर लीजिए पहले से। और आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो, जो नहीं समझ में आ रहा या जो छूट गया हो किसी का कोई लेसन या कोई जो भी समस्या हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो कर दीजिएगा, मैसेज करिए या हमको उसी नंबर से फोन कर दीजिए, ठीक है, जो भी समस्या हो उसका समाधान हो जाएगा। आप नंबर है मेरा देख लीजिए, पहले भी हर वीडियो में मैंने बताया है, 7566853917, ये नंबर है,
मेरा तो इसमें आप फोन करके हमसे पूछ सकते हैं जो आपको दिक्कत है या कोई लाइसेंस छूटा है या कुछ पूछना, जो भी परीक्षा से संबंधित कुछ पूछना है सब इसमें आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।